माइक ले रहा हूँ भाई। मेरे भाई साथियों, कार्यकर्ता बहनों और भाइयों, आज हमने वंदे मातरम गान का फैसला इसलिए किया था कि हमारी सरकार ने उस समय हर महीने की पहली तारीख को वंदे मातरम गान वल्लभ भवन के प्रांगण में करके और फिर कामकाज प्रारंभ करने की परंपरा डाली थी। इस नई सरकार ने इस परंपरा को तोड़ा था और हमने ये तय किया था कि सरकार नहीं तो हम वंदे मातरम गान यहाँ गाएंगे, क्योंकि भारत माता की वंदना का गान है वंदे मातरम, देशभक्ति का पर्याय है वंदे मातरम। लेकिन हमने ये भी तय किया था कि हम यहां से मार्च करते हुए विधानसभा तक जाएंगे, लेकिन चूंकि सरकार ने वंदे मातरम गान फिर से प्रारंभ करने का फैसला कर लिया है, अब वो कह रहे हैं अलग फॉर्म में, तो हमें तो वंदे मातरम से मतलब, वंदे मातरम का कोई फॉर्म नहीं होता, एक ही फॉर्म होता है। वंदे मातरम का फॉर्म भारत माता की जय है और कोई दूसरा फॉर्म ही नहीं होता। लेकिन उन्होंने तय कर लिया है, इसलिए मार्च का कार्यक्रम हम स्थगित कर रहे हैं और ये कहते हुए कि देशभक्ति की और जन कल्याण की जितनी मान्य परंपराएं हैं, सरकारें आती रहती जाती रहती है, लेकिन देश और देशभक्ति सबसे ऊपर रहती है। उन परंपराओं को ये सरकार ना तोड़े, अगर तोड़ेगी तो हम प्रचंड विरोध करेंगे और सरकार को विवश कर देंगे तो वो इन परंपराओं का पालन करे। आज हमने मार्च का कार्यक्रम स्थगित किया है। एक बार मेरे साथ बुलंद स्वरों में उद्घोष कीजिए, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद।